हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंडियन फूड खजाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, मटर मखाना की सब्जी। जो मखाने होते हैं ये टेस्टी तो होते हैं, साथ ही बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें फाइबर और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मटर ली है, एक कटोरी में मखाने लिए हैं, इसके साथ ही लेंगे प्याज, अदरक, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, टमाटर, इसके साथ ही लेंगे सूखे खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में लेंगे तेज़पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, स्टार, इसके साथ ही फ्रेश क्रीम लेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में एक चम्मच घी गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे अपनी मखाने। मखानों को हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारे मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और वापस इसी कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। इसमें डालेंगे अपने सूखे खड़े मसाले, इसमें डालेंगे अदरक, 2 हरी मिर्च कट करके डालेंगे और इसमें रफली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे हम हल्का ही भूनेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम एक टमाटर मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम काजू और इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो इसे पकाने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे। ये मसाला हमारा पक गया है, इसकी अब हम प्योरी बनाएंगे। तो मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसकी प्योरी बना लेंगे। तो ये देखें, हमारी प्योरी बन करके तैयार है। तो वापस उसी कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, इसमें डालेंगे जीरा, हींग, अब इसमें हम डालेंगे अपनी प्योरी और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए, इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। अब एक कटोरी में हम लेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे अब हम मसाले में डाल देंगे और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और मसाले को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक कि मसाला हमारा वाइल ना छोड़ दे तब तक हम इसे भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, आप इसकी जगह मलाई भी डाल सकते हैं, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे मटन और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो मसाला भुन गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी यहाँ पर गर्म डालना है, ठंडा पानी आप यहाँ पर ना डालें। तो ये देखिए सब्जी में अब हम बॉयल आने लगा है। तो जैसे ही हमारा बॉयल आ जाए तो अब हम इसमें मखाने डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके साथ इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी धनिया, थोड़े से काजू डालेंगे। उसके बाद ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।